संबंध भाजपा ऐसा दावा कर रही है कि कांग्रेस के नेताओं से विक्रम मंडावी के साथ कुछ फोटो जारी की गई है। उसके अलावा संतोष पांडे ने यह तक कह दिया कि भूपेश बघेल के जो पिताजी थे उससे उनके संबंध है। देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है और इसमें नक्सली मारे भी जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है और लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं जिसके माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक नियत नीलानार योजना, आपका अच्छा गांव जिसका हिंदी अनुवाद है, उसके माध्यम से जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जो मूलभूत लोगों के लिए सुविधाएं हैं, उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसमें कोई अगर नक्सलियों का सहयोग भी किसी न किसी रूप में करता है, अगर वो पकड़ में आएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई सख्ती से होगी। देखिए, आज़ादी का 75 साल हो गया, हम लोग अमृत महोत्सव मनाए हैं और इसका आकलन अगर करेंगे तो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी इस देश में शासन की है, लेकिन अगर जहाँ तक आदिवासियों की बात करें, मैं भी आदिवासी समाज से हूँ, आदिवासियों का मान सम्मान और विकास अगर किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उनको आवश्यकता महसूस हुई कि आदिवासियों के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन होना चाहिए और उन्होंने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया, एक आदिवासी को उसमें मंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री भी और राज्य मंत्री भी बनाया। आज छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी 32% हैं, उनका भी समुचित विकास हो तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। यहाँ पर 15 साल हम लोगों की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो जसपुर सरगुजा उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन करके ये दोनों जो संभाग आदिवासी बाहुल्य है उनको विकास की दृष्टि से किसी भी तरह संसाधन की कमी नहीं हो, ये काम करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी आज आदिवासी समाज की हमारी एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो बैठी है। आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की बात होती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री अगर बैठा है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये घड़ियालू आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं है।